हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला भाग 3, पाठ षष्ठ पाठ नीति वचनानी। कुछ हम पॉलिसी स्टेटमेंट्स, जिन्हें हम श्लोक भी बोलते हैं, नीति वचन के बारे में समझते हैं। क्या क्या बोला गया है, क्या क्या कहा गया है, नीति श्लोक के माध्यम से हम जानते हैं। पहला इसमें दिया है, अलसस्य कुतो विद्या अविद्याया कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। क्या कहा गया इसमें, अलसस्य कुतो विद्या। जो आलसी व्यक्ति होते हैं, जिनके शरीर में हमेशा आलस बना रहता है, उनको विद्या कहाँ, और जिनके पास विद्या नहीं है उनको धन कहाँ, और जो धन नहीं है जिसके पास उसका मित्र कहाँ, और जिसका कोई मित्र नहीं है उसको सुख कहाँ। समझ में आ गया बच्चों, कि जिसके जो आलसी व्यक्ति है उसको विद्या कहाँ है, वो तो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, वो तो असमय आलस ही करेगा, और जो के पास जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन कैसे मिलेगा, धन की प्राप्ति कैसे करेगा वो, और जिसके पास धन नहीं है उसका मित्र नहीं है, और मित्र जिसका मित्र नहीं है उसको सुख कहाँ, सुख कैसे मिल सकता है। समझ आया पहला वाला आपको नीति वचन। दूसरा नीति वचन है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जैसे कि पीठ परोक्ष माने हमारे पीठ पीछे, हमारे पीछे जो हमारा काम बिगाड़ने वाला हो, और प्रत्यक्ष यानी कि सामने हमसे मीठी मीठी बातें करने वाला हो, ऐसे मित्र को, तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को हमें वर्जये छोड़ देना चाहिए, जिस प्रकार की मुंह पर दूध रखे हुए, अंदर तो उसके जहर भरा हुआ है घड़े में, और उसके जो घड़े के ऊपर दूध लगा रखा है उस घड़े के समान हमें उस मित्र को छोड़ देना चाहिए, जो मित्र पीठ पीछे तो हमारी बुराई करता है और हमारे सामने प्रिय वचन बोलता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, ऐसे मित्र को हमें इस प्रकार छोड़ देना चाहिए कि जैसे कि जहर भरे हुए घड़े के ऊपर तो दूध दिखाई दे रहा हो लेकिन अंदर उसमें जहर भरा हुआ है, तो हमें वो नहीं पीना चाहिए ना, उसी प्रकार हमें ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनम। पुस्तकस्था तु या विद्या यानी कि पुस्तक में रखी हुई विद्या, यानी कि जो बुक में ज्ञान है, पुस्तकों में जो ज्ञान है, और जो दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा है, जो पुस्तकों में रखी हुई विद्या है और जो दूसरे के हाथ में गया हुआ धन है, वो समय पड़ने पर, जब हमारा ऐसा समय आ जाए जरूरत पड़े हमें, तो ऐसी ना तो विद्या काम आती है और ना ही ऐसा धन काम आता है, जो कि जरूरत पड़ने पर, वो तो पुस्तक में है विद्या और हमें नहीं है उसका ज्ञान। ऐसे ही पैसा है हमारे पास लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, वो किसी दूसरे के पास है, तो समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर ना तो वो विद्या काम आती है और ना ही वो पैसा हमारे किसी काम आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसमें क्या कहा है उन्होंने, कि सभी सुखी हों और सभी रोग मुक्त रहें, किसी को भी कोई बीमारी ना हो, सभी निरोगी रहें, और सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, और सभी कल्याण के साक्षी बने, कोई भी दुख का भागी ना बने, किसी को भी संसार में दुख की प्राप्ति ना हो। क्या हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, कोई रोग ना हो, सभी का कल्याण हो, किसी को भी किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। बच्चों ये वाला श्लोक आप याद करके ना रोज अपनी प्रार्थना में बोला करो, आपकी प्रार्थना जब स्वीकार होगी सबका कल्याण होगा तो उसमें आपका भी कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। तो इस श्लोक को आप याद करके बच्चों रोज अपनी प्रार्थना में बोला करिए, आपको अच्छा लगेगा। पाठ में आए हुए बच्चों कुछ शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। अलसस्य माने आलसी मनुष्य को, कुतो माने कहाँ, परोक्षे पीछे, प्रत्यक्षे सामने से, वर्जयेत माने छोड़ना चाहिए, और तादृशम माने इस प्रकार के या ऐसे, विषकुंभकम माने
विष के घड़े को, जहर के घड़े को, और कार्यकाले माने काम के समय, समुत्पन्ने माने पैदा होने पर, निरामया निरोग हो, रोगी ना हो, पश्यन्तु माने देखें, सर्वे सभी, भवन्तु माने हो। तो इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए हमने कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। पाठ को अगर आप इसके साथ साथ इनके शब्द अर्थ याद करते चलेंगे बच्चों, तो आपको बहुत आसानी रहेगी पाठ को पढ़ने में। अब हमारा एक्सरसाइज वर्क है, अभ्यास कार्य है। पहला हमारा एक्सरसाइज है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है कि दृशम मित्रम वर्जित, कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए? परोक्षे वा कार्यहंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादनम, तादृशं मित्रं वर्जयेत्। तादृशं मित्रं वर्जयेत्। जो हमारी पीठ पीछे बुराई करे और सामने हमसे मीठा मीठा बोले। आलस्य जना किम न भवति, आलस्य व्यक्तियों के पास क्या नहीं होता? आलस्य जना, आलस्य कुतो विद्या, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, आलस्य जना विद्या न भवति, उनके पास विद्या नहीं होती है। कहा विद्या लाभप्रद अस्ति, कौन से विद्या लाभकारी होती है? लाभकारी नहीं होती है, यानी कि पुस्तकस्तथा विद्या लाभप्रद नास्ति, पुस्तकों में रखी हुई विद्या लाभकारी नहीं होती है। कथम सर्वे भवन्तु, कैसे सभी सुखी हो सकते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भागवे। दूसरी हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादनम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, पुस्तकस्था विद्या परहस्तगतम धनम। तो इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति करी है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। विकल्प दिए हुए हैं, तीन तीन विकल्प हैं। जैसे पहला है अमित्रस्य डैश कुतः डैश धनम मित्रम सुखम, अमित्रस्य कुतः सुखम, जिसका मित्र नहीं है उसका उसको सुख नहीं है। कुतः इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति, इसमें कुतः शब्द में कौन सा प्रत्यय है? त गम या शत, त प्रत्यय है। परोक्षे इति पदस्य अर्थी, परोक्षे इस पद का अर्थ क्या है? प्रकाश पीछे या सामने, परोक्षे पीछे। एक्सरसाइज नंबर 4 है बच्चों हमारी, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखने हैं। अविद्याया यानी कि बिना विद्या के, बिना विद्या के, विषकुम्भम विष का घड़ा, विष का घड़ा, परहस्तगतम दूसरे के हाथ में गया हुआ,
गया हुआ, अधनस्य धनहीन, या जिसके पास धन ना हो, धन ना हो। फिर है तुष्यंति माने संतुष्ट होते हैं, वर्तन्ते माने होते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखने हैं। विपरीत मतलब विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे हिंदी में होते हैं ना, ऐसे संस्कृत में विलोम शब्द होते हैं। तो ये शब्द दिए हुए हैं, इनका हमें विपरीत अर्थक शब्द लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे विद्या, हम यहाँ लिखेंगे अविद्या, परोक्षे प्रत्यक्षे, सर्वे कश्चित, या ईषद भी हो सकता है, मित्रम अमित्रम, अधनस्य धनस्य, धनम अधनम। तो ये हमने कुछ विपरीतार्थक विलोम शब्द किए हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, निम्नलिखित पदों की विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे शब्द दिया हुआ है अलस्य, अलस्य विभक्ति है षष्ठी एक वचन। परोक्षे, परोक्षे है सप्तमी विभक्ति एक वचन। मित्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन। कार्यकाले सप्तमी विभक्ति एक वचन। परदारेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। इस प्रकार पाठ में आए हुए बच्चों, हमने कुछ पदों की विभक्ति और उनके वचनों के बारे में जाना। एक्सरसाइज नंबर 7 पार्ट 6, वाक्य बनाइए। छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं बच्चों हमें। जैसा पहला है, मोहनस्य मित्र राम अस्ति। विद्या, इसमें आप कर सकते हैं अलसस्य कुतो विद्या। बांधवः सर्वे बांधवः गच्छन्ति। लोष्ठवत से सर्वदा लोष्ठवत कार्यम करोति। धनम अमित्रस्य कुतो धनम। देवै सर्वे सर्वे मानवा तुष्यन्ति। तो इस प्रकार हमने अब पाठ में आए हुए बच्चों कुछ वाक्य थे, एक्सरसाइज नंबर 7 वाक्य बनाए। ये एक्टिविटी कर रहे हैं आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में विद्या के महत्व को बताते हुए, और कोई भी 3 श्लोक जो विद्या का महत्व बताते हो, ऐसे कोई भी 3 श्लोक आप लिखेंगे अपनी होमवर्क कॉपी में या अपनी A4 शीट पर लिखेंगे, और अर्थ के साथ उस कार्य को आपको करना है और अपने टीचर को दिखाना है, उसको अर्थ के साथ करिएगा आप, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों हमने नीति श्लोक के बारे में जाना। अब हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।